स्टैंडिंग वेव्स एंड स्ट्रेच्ड वेव्स। देखो, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, ध्यान देना बात पे ध्यान से सुनना, जब दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम है, सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और वो जब सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो जो रिजल्टेंट आपको वेव मिलती है वो आपको मिलती है स्टेशनरी वेव्स। रिजल्टेंट क्या मिलती है आपको? स्टेशनरी वेव। ये वाला क्या था ना, वही वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर एक जा रहा इस तरफ में, एक अगर मेरा जा रहा इस तरफ में, तो उसकी क्वेश्चन देगी वाई वन इक्वल्स टू के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक अपोजिट डायरेक्शन में मतलब के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सुपर प्रिंसिपल ने क्या बोला, वाई वन प्लस वाई टू कर दो। हमने भी कर दिया, हम भी पीछे नहीं रहने वाले। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनको जब ऐड करेंगे तो वाई इक्वल्स टू टू के टू ए साइन के एक्स ओमेगा टी आ जाएगा। कैसे आया? ये फॉर्मूला यूज करके आया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आप बस ध्यान रखो कि जब ये और ये ऐड होगा तो आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो इसको, ये वाला भी लिख लेना भाई, ये फॉर्मूला भी लिख लेना। अभी लिखो उसको, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी। देखो, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेस स्प्रिंग, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस्ड स्प्रिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो देख लेते हैं। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग मतलब क्या होता है? गिटार बजाते हो, गिटार में क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, उस पर आप पंख करके मारो तो क्या होगा, स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करके। ठीक है, तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। आप देखो, कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, कंसिडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, जिसको आपने दो फिक्स सपोर्ट में कर दिया, जैसे आपके उसमें हो जाता है गिटार में, एक यहां होता है और एक यहां, दोनों तरफ से स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया था, और स्ट्रिंग की लेंथ होती है एल। जब भी आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा, वहां पे वेव्स बन जाएंगी, और वेव्स क्या होंगी, सारे बोथ डायरेक्शन में जाएंगी, इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होके वापस आती जाएंगी, क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ठीक है, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, स्टैंडिंग वेव्स जो आपको बनेगी उसकी वजह से, वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। और ये क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ द सुपर पोजिशन ऑफ द इंसिडेंट वेव्स एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स। ठीक है, अब यहां पे कहीं पे नॉट बनेंगे। ठीक है, नॉट कहां बनेंगे? एट द एंड ऑफ द लूप। और एंटी नॉट कहां बनेंगे? एट द मिडल ऑफ द लूप। नॉट्स आर फॉर्म एट द एंड, एंटी नॉट्स आर फॉर्म इन द मिडल, तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमने देख लिया, हम लोग जनरली बोलेंगे कि जो हमारा लेंथ ऑफ द लूप रहेगा वो लैम्डा बाई टू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, ये ऐसे करके जाएगी एक वेव, और एक वेव ऐसे उल्टी होके आएगी, तो लूप कहाँ बना? यहाँ पे बना। पूरा क्या होगा? लैम्डा हो जाएगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लैम्डा बाई टू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम बना लो भाई, यहाँ पे वही डायग्राम बने। हाँ, तो यहाँ पे अगर स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है विद सिंगल लूप, लूप टू नॉड्स एंड वन एंटी नॉड, एंड नॉड कहाँ बनते थे? एट द एंड, मतलब एक नॉड और एक नॉड। तो जब भी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है उसमें एक ही लूप है, एक लूप है, यहाँ पे देख लो एक ही लूप बन रहा है, और दो नॉड्स हैं ये और एक एंटी नॉड है, यानी कि ये तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? लैम्डा बाई टू, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू टू एल। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? वी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू लैम्डा, एन नॉट इंटू लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू टू एल है, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा अल्टीमेटली ये वाला आ जाएगा। देख लो, वी इक्वल टू सी म्यू लैम्डा पढ़ा है हम लोगों ने, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी अपॉन इंटू लैम्डा, वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, वी के लैम्डा के बदले 12 पुट कर दिया, वी अपॉन 12, अकॉर्डिंग टू अपना वो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने कि कोई भी स्ट्रिंग ऐसे जाएगी, टेंशन टी रहेगी, म्यू उसका लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग रहेगी, तो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी को ये वाला फॉर्मूला आएगा, बताओ कोई दिक्कत है? दिस इज दी फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल नोट नोट और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत है? तो अपने हेडिंग में लिखो अपनी कॉपी में, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल नोट इक्वल्स टू ये फॉर्मूला। ठीक है,
अगर वाइब्रेट इस लूप में दो दो तो दो अगर वो आ जाए तो क्या करेंगे, अगर दो लूप्स आ जाए तो क्या हो जाएगा, लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, यानी कि टू लैम्डा बाई टू यानी कि लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू लेंथ के बराबर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी फिर से वही कहानी, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी हमारी, एन वन इक्वल्स टू टू अपॉन टू एल। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, मैं फिर से दिखा देता हूं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, कहा गया यार। देखो ये अगर लेंथ है तो एक लैम्डा बाई टू है और एक लैम्डा बाई टू है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू दैट इज लैम्डा। तो एल इक्वल्स टू लैम्डा, एल इक्वल्स टू लैम्डा। चलते हैं फॉर्मूला में, हमारे पास क्या था, फॉर्मूला में हमारे पास क्या था, एन इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा, वी तो रूट ओवर यही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एल की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, एल की फॉर्मूला एल ही रहेगी, एल का फॉर्मूला एल ही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या आया, यहां पे क्या था, एन नॉट इक्वल्स टू वन बाई टू एल, एन नॉट क्या था, वन अपॉन टू एल रूट ओवर टी बाई म्यू। यहां पे मेरे पास क्या आया, टू टू काटेगा, मेरे पास क्या आया, एन वन इक्वल्स टू वन बाई एल रूट ओवर टी बाई म्यू। अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई टू कर दूं तो क्या आएगा, ये तो मेरा एन नॉट ही है, ये तो मेरा एन नॉट ही है मल्टीप्लाइड बाई टू, एन वन इक्वल्स टू टू एन नॉट। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला तो है ही कॉपी में आप लोग के सामने। सिमिलरली हमने थर्ड हार्मोन थर्ड निकाला, तो हमें थर्ड का भी यही कुछ ऐसा रिलेशन मिला, ऐसा वाला कैसे आएगा, थर्ड हार्मोनिक का ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे, यानी कि यहां पे आएगा लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, यानी कि थ्री लैम्डा बाई टू, थ्री बाई टू लैम्डा, ऐसा कुछ आ जाएगा एल की वैल्यू। पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, इसको भी लिख लो। एंड इसको क्या कहें, थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकेंड ओवरटोन। तो हमने क्या देखा यार, अगर एन नॉट, एन नॉट मेरा क्या था, पहला वाला एन इक्वल एन नॉट, तो एन नॉट ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाला मेरा टू एन नॉट आया, थर्ड वाला मेरा थ्री एन नॉट आया। तो अगर रेशियो लेंगे तो इनका क्या आएगा, वन इज टू, टू इज टू, थ्री फोर इज टू, फाइव इज टू, ऐसे करके चलते जाएगा। तो रेशियो बिटवीन दी हार्मोनिक्स क्या होता है, वन टू थ्री फोर करके चलता है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए हमारे काम आएगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया जाए, उसमें पी लूप्स बने, कितने लूप्स बने, पी लूप्स, एक लूप, एक दो तीन चार मान लेते हैं, एक दो तीन चार, ऐसे करके चार लूप्स बने या फिर पी लूप्स बने, तो कितने हार्मोनिक होंगे, जितने लूप होंगे उतने ही हार्मोनिक होंगे। पहला हार्मोनिक, दूसरा हार्मोनिक, तीसरा हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। लेकिन ओवरटोन्स कितने होंगे, एन माइनस वन, सॉरी पी माइनस वन। तो यहाँ पे चार लूप बने हैं लेकिन तीन ओवरटोन होंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है? और अल्टीमेट फॉर्मूला हमारा ये वाला बन जाएगा, एन पी इक्वल्स टू नंबर ऑफ लूप अपॉन टू एल रूट ओवर टी बाई म्यू। जैसे आप देखो, अगर पहला लूप, अगर लूप की वैल्यू वन है तो क्या आएगा, एन नॉट इक्वल्स टू वन बाई टू एल रूट ओवर टी बाई म्यू। अगर एन नॉट की वैल्यू टू, मतलब अगर दो लूप बने हैं तो कितना आएगा, टू बाई टू एल रूट ओवर टी बाई म्यू। देखो आया, आ रहा है, हाँ, तो इसको नोट डाउन करो, सी, वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन नॉड एंड सक्सेसिव एंटी नॉड तो लैम्डा बाई फोर होगा ना, एक नॉड और एंटी नॉड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, देखो मेरी बात समझो। देखो ये मेरा ऐसे करके है, ठीक है, ये मेरा नॉड है, बीच वाला मेरा एंटी नॉड है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई टू। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाई टू का आधा, यानी कि लैम्डा बाई फोर। तो बिटवीन नॉड और एंटी नॉड का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाई फोर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी गई है 500 हर्ट्ज की, ठीक है, लिख लेते हैं। वेलोसिटी दी गई है 360 मीटर पर सेकेंड की। हाउ फार टू पॉइंट आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, ठीक है, फाइव दिया हुआ है 60। तो हमें फ्रीक्वेंसी से क्या करें कि हमें हाउ फार पता, हमें पाथ डिफरेंस पता करना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू टू पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा फाई, शायद यही फॉर्मूला था कि मैंने उल्टा लिखा, लैम्डा अपॉन टू पाई होगा, सॉरी, लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू डेल्टा फाई, ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है।
तो डेल्टा 560 मतलब ये तो लैम्डा फैम्डा में खड़ा है, इनके इसको हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा उस चीज में, क्या बोलते हैं, रेडियन में। 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 को रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब है पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, ठीक है। फाई पता चल गया, लैम्डा पता है क्या, नहीं पता, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू वी कितना है 360 बाई एफ, यानी कि 500, 360 बाई 500, सॉल्व करने तो कितना आएगा, ये कट जाएगा 0.072 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पुट कर देना डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 0.72 टू पाई, और डेल्टा फाई कितना है भैया, पाई बाई थ्री, पाई पाई कट जाएगा या इंटू 100 आ जाएगा, 2 3 6 और 6 1 6 जो है 12, 12.12 मीटर इज दी आंसर। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंपल सी बात है, ऑन एन एवरेज अ ह्यूमन हार्ट इज फाउंड टू बी बीट 75 टाइम्स इन अ मिनट। तो हमें, मेरा पेन क्यों चल रहा है, अच्छा चल रहा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 75 टाइम्स पर मिनट, 75 टाइम्स 1 मिनट में, सॉरी 60 मिनट 60 सेकंड्स में 75 टाइम्स, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 75 बाई 60 दैट इज समथिंग समथिंग इक्वल टू 1.25 हर्ट्ज, ये मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई। कैलकुलेट द टाइम पर, टाइम पर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 बाई 1.25, ऊपर जाएगा 100, 25 5 है, 25 4 है, इनके 0.8, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ऑर्गेन पाइप क्या होता है, पहले देखते हैं ऑर्गेन पाइप क्या होता है। ऑर्गेन पाइप एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है, ऑर्गेन पाइप क्या होता है दोस्तों, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होगा, मतलब अगर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो ये भी एरिया ए ही होगा, ये भी एरिया ए ही होगा, ठीक है। और इसके अंदर में कुछ गैस या फिर एयर ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये दो टाइप की होती है, एक होती है ओपन ऑर्गेन पाइप, एक होती है क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप। अब समझते हैं हम लोग ऑर्गेन पाइप का क्लोज्ड और ओपन में क्या डिफरेंस है। देखो अगर एक एंड, वन इफ वन एंड इज क्लोज्ड एंड अदर वन इज ओपन, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड पाइप, और अगर दोनों ही ओपन रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, ओपन पाइप। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये मेरे पास एक तो वो ऑर्गेन पाइप है, अगर ये दोनों ही जगह में मैंने बंद नहीं किया है, दोनों ही जगह में मैंने बंद नहीं किया, मतलब एक पाइप है आपके घर में नल की, यहाँ पे से नल जा रहा है, यहाँ पे से नल जा रहा है, मैंने इसको यहाँ से काटा और यहाँ से काटा, तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ ऐसी पाइप मिल जाएगी जो कि ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स रहेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम कहते हैं ओपन पाइप, उसे हम क्या कहते हैं, ओपन पाइप। लेकिन अगर मैंने इस पाइप को एक तरीके से बंद कर दिया, एक साइड से मैंने बंद कर दिया है, तो ऐसी पाइप को क्या कहेंगे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्या कहेंगे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आप लोगों को क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के वहां पे ऐसा डायग्राम बना लो और ओपन के यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना लो, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद हमें देखना है कि मान लेते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ओपन एंड ऑफ द क्लोज्ड पाइप में इंट्रोड्यूस की गई है। तो अगर मेरे पास ये वाला ऐसे करके है, मैंने यहाँ के ओपन एंड में एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को डाल दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपने क्लोज एंड की तरफ पहुंचेगी, क्लोज एंड की तरफ पहुंचेगी और यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके आएगी, कैसे होगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी, ऐसे, ठीक है। ये मैंने कल बताया था, कल बताया था ना कि अगर फिक्स्ड एंड रहेगा तो ऐसे घूम के वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो आपने देखा कि यार ये ऐसे गई, मान लेते अगर ये मेरी क्लोज है तो ये ऐसे करके जा रही थी, ऐसे करके जिंदगी का मजा लेते हुए जा रही थी, टकराती है, टकरा के वापस बैक आ जाती है, ठीक है। तो ये जो आपको अब दिखा रही है, ये आपको क्या बना देगी, हमने पढ़ा था कि जब भी दो वेव्स, कल ही पढ़ाया था, एक ऐसी वेव और एक ऐसी वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगी, सुपर पोज करेगी, तो वहां पे क्या मिलता है हमें, स्टेशनरी वेव बनती है। तो ऑर्गेन पाइप में हमने क्या क्या देखा, ऑर्गेन पाइप में हमने देखा कि यार अगर एक वेव ऐसे करके जा रही है तो रिफ्लेक्शन भी देख रहे हैं हम यहाँ पे, और साथ साथ में हम स्टेशनरी वेव को भी देख रहे हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ की कहानी समझ में आ गया कि किस तरह से वेव बनेगी, ये हमने समझ लिया। अब आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे यही भूल जाते हो, तो अपने नोट में ये बनाना है आपको कि एक क्लोज एंड जो होगा, क्लोज एंड मतलब ये वाला पोर्शन, क्लोज एंड जो होगा वहां पे हमेशा नोड फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है, नोड।
और जहां पे ओपन एंड होता है वहां पे क्या फॉर्म होती है, एंटी नोड। नोड क्या होती है, जहां पे दो वेव्स ऐसे मीट करेंगी, इसको हम नोड कहते हैं। और एंटी नोड जहां पे ये मैक्सिमम होता है, इसे ये जो एम्पलीट्यूड दिख रहा है एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड जो होगा मैक्सिमम होगा ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड योर एंटी नोड। ठीक है, तो अपने यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे लिख लो ये वाला चीज, ये डायग्राम बना लो और वहां पे लिखो क्लोज एंड ऑलवेज नॉड इज फॉर्म, ओपन एंड ऑलवेज एंटी नॉड इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में हमें बड़ा मजा आएगा अगर ये चीज पता रहेगा तो। उसके बाद में हार्मोनिक और ओवरटोन में कल हमने देखा था, बट बेसिक छोटा सा रिविजन ले लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं, जो फ्रिक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ऑफ दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के। कल हमने फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फाइंड की थी, फर्स्ट हार्मोनिक दिखाया था, ओवरटोन पढ़ाया था, तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी जो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के उनको हम हार्मोनिक कहते हैं, और ओवरटोन क्या होता है, ऑल पॉसिबल हायर फ्रिक्वेंसी अदर देन दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड ओवरटोन, इज कॉल्ड ओवरटोन। कल मैंने बताया था कि अगर वहां पे पी करके ऐसा करें, पी वेव्स आ रही हैं, तो वहां पे पी होगा आपका हार्मोनिक और पी माइनस वन होगा ओवरटोन। याद है सभी को? ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब हम लोग ओपन पाइप में देखेंगे तो क्या होगा भाई, वो मैंने आपको अभी बताया कि ओपन पाइप में क्या होता है, ओपन पाइप में दोनों ही एंड खुले हुए रहते हैं, और मैंने आपको क्या बताया अभी कि क्लोज पॉइंट पे नॉड बनेगा और खुले हुए पोर्शन पे एंटी नॉड बनेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर ओपन पाइप है तो दोनों ही खुला हुआ है, तो यहाँ पे भी एंटी नॉड बनना चाहिए, यहाँ पे भी एंटी नॉड बनना चाहिए, और यहाँ पे भी एंटी नॉड बनना चाहिए, यहाँ पे भी एंटी नॉड बनना चाहिए, तो ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो द वाइब्रेटिंग लेंथ क्या होता है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। कल ये भी डिस्कस किया था कि अगर हमारा ऐसा डायग्राम बनता है तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द पाइप होगी वो किसके बराबर होगी, लैम्डा वन बाई टू के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, लैम्डा वन बाई टू के बराबर होगी। तो आप लोग लिख लो ये वाली कहानी, हार्मोनिक्स इन ओपन पाइप लो हेडिंग, और ये वाले डायग्राम बना लो, और यहाँ पे एल इज इक्वल्स टू लैम्डा वन बाई टू लिखो जल्दी से। अब यहाँ पे देखो, ये देखो कल हमने पढ़ लिया बेसिकली, तो उसी का करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे लगाना है केस वन। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग केस वन निकालेंगे फॉर दी ओपन पाइप। ओपन पाइप में फंडामेंटल यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमें पता है वी इक्वल्स टू एन लेमडा होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन वन इक्वल्स टू वी अपॉन लेमडा वन फॉर दी फर्स्ट फंडामेंटल हार्मोनिक, या फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल के लिए, अपने बड़ा जरूर लिख सकते हैं। तो अब मैंने अभी क्या बताया, फॉर दिस वन एल इक्वल्स टू लैमडा बाई टू, लैमडा वन बाई टू यानी कि लैमडा वन इक्वल्स टू एल, आपने बोला हाँ सर ठीक है लिख सकते हैं, तो मैंने वी बाई टू एल लिख दिया। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला कि वी इज द स्पीड ऑफ साउंड इन, ठीक है जो भी है। तो फर्स्ट यानी कि फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी कितनी है दोस्तों, वी अपॉन टू एल, वी अपॉन टू एल। तो लिख लो आप लोग हेडिंग दो, ओपन पाइप ही चल रहा है हमारा, ओपन पाइप ही चल रहा है, ओपन पाइप ही चल रहा है। वहां पे लिखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लिख लो, ये वाला अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो लिख लो, और हेडिंग दो फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखते हैं सेकंड हार्मोनिक्स के बारे में। देखो डायग्राम क्या ना कि ऐसा बनाए थोड़ा दिक्कत होता, तो थोड़ा एरो टेढ़ा वेढ़ा है, अगर आप मुझे बोलते सर अच्छे से बनाओ तो मैं ऐसा बनाता है इसको। देखो ये मेरा एक पाइप होता, ये मेरा एक पाइप होता, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा बनेगा एंटी नॉड, ये तो पक्का बात है, यहाँ पे एंटी नॉड ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, एंटी नॉड क्योंकि ओपन एंड है, तो बीच में क्या बनेगा, बीच में कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि यहां से यहां तक अगर आप पुराना वाला देखो डायग्राम, ये कितना था, ये देखो एक एंटी नॉड से, एक एंटी नॉड से दूसरे एंटी नॉड तक की डिस्टेंस कितनी है, एल, और एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई टू है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से एक एंटी नॉड से दूसरे एंटी नॉड की डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई फोर। ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई फोर। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू। तो देखो ये पोर्शन लैम्डा बाई टू है और रिमेनिंग पोर्शन लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर।
चलो ठीक है, ये अगर क्लियर है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये वाला बात समझ लिया है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, द सेकेंड हार्मोनिक फाइंड करना है और या फिर फर्स्ट ओवरटोन पता करना है। तो आपको क्या समझ में आया कि सर ने जब फर्स्ट हार्मोनिक बोला तो उसके अंदर में, फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर में दो एंटी नोड थे और एक नोड था, सॉरी हाँ दो एंटी नोड थे एक नोड था, लेकिन सर जब सेकेंड हार्मोनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन एंटी नोड आ जाता है, एक एंटी नोड, दो एंटी नोड और तीन एंटी नोड, और दो ठो नोड आ जाते हैं। तो ये सब चीज आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं पर याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एल ऑफ द पाइप क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द पाइप क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू, एड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टू लैम्डा बाई टू, बट लैम्डा बाई टू क्या था, एल था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ हा या ना, लैम्डा बाई टू क्या था, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा टू, सॉरी लैम्डा टू कोस टू वाला लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अभी इवन फॉर्मूला दिखाया, एनी कोस टू वी बाई लैम्डा टू, लैम्डा टू के बदले पुट करेंगे हम लोग, कितना आएगा ये वाला आ जाएगा, यानी कि एन टू इक्वल टू एन वन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। जिसे समझ में नहीं आया वो देखो कि यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं ये इक्वेशन के बाद, यहाँ पे मेरा आ जाएगा लैम्डा टू इक्वल टू टू एल अपॉन टू, काटना पिटना नहीं है नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे क्या है एन टू इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा टू, लैम्डा टू क्या अभी टू एल इंटू टू लिख दिया भैया, लेकिन एक बात याद रखो कि वी अपॉन टू एल क्या था, वी अपॉन टू एल क्या था, अभी निकाला था एन वन था। तो हमें क्या पता चला, जो फर्स्ट जो सेकंड हार्मोनिक होगा वो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक होगा, वो ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक होगा, या फिर इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। अब देखो थर्ड हार्मोनिक पता करना है या फिर सेकंड ओवरटोन करना है, थर्ड हार्मोनिक में क्या रहेंगे, तीन नोड रहेंगे और चार एंटी नोड रहेंगे, तीन नोड रहेंगे चार एंटी नोड रहेंगे, तो ये बना सकते हो आप लोग खुद से। देखो मैंने डायग्राम नहीं बनाया, वेरी गुड, मैं भी बहुत अच्छा आदमी हूँ, डायग्राम नहीं बनाया मैंने, मुझे बनाना पड़ेगा। तो पाइप बड़ी लंबी बन जाएगी ऐसे, ठीक है, इसमें क्या बनना, चार एंटी नोड बनने, मतलब एक एंटी नोड यहाँ बनेगा, एक एंटी नोड यहाँ बनेगा, एक एंटी नोड यहाँ बनेगा और एक एंटी नोड यहाँ बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा बना लो, मतलब अच्छा नहीं बन रहा है जो भी है, ऐसे बनाते हैं। रुको देखो, एक एंटी नोड, दो एंटी नोड, तीन एंटी नोड, चार एंटी नोड, और नोड्स कितने आ गए, एक नोड, दो नोड, तीन नोड। तो इसे हम क्या कहते हैं, जितने नोड होता है उतना ही हार्मोनिक बन जाता है। तो यहाँ पे अगर तीन नोड है तो ये कितना है, थर्ड हार्मोनिक, कितना है ये, थर्ड हार्मोनिक। तो हम लोग थर्ड हार्मोनिक में फिर से क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि ये वाला हमारा कितना, देखो यहाँ पे डायग्राम में ये आधा कितना है भैया, ये कितना है, ये हमारा लैम्डा बाई फोर है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये भी लैम्डा बाई फोर, ये लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू, फिर ये लैम्डा बाई टू, फिर ये लैम्डा बाई फोर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ जाएगा, सारे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई टू हो जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा थ्री लैम्डा बाई टू। देखो ये आ गया, तो एल यहाँ पे क्या केस हो गई हमारी, थ्री लैम्डा बाई टू आ जाएगी, तो लैम्डा थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू एल अपॉन थ्री आ जाएगी। ठीक है, देखो लैम्डा थ्री तक क्लियर है हमारा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सेकेंड ओवरटोन या फिर थर्ड ओवरटोन, ठीक है एक मिनट, सेकेंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक, कितने एंटी नोड है यहाँ पे, देखो कितना एंटी नोड है भैया, तीन एंटी नोड है, सॉरी तीन नोड है, एक दो तीन, तीन नोड मतलब कितना हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा है, थर्ड हार्मोनिक मतलब सेकेंड ओवरटोन। ये सब चीज मैंने कल अच्छे से बताया था, याद होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू वी बाई लैमडा थ्री, फॉर्मूला अभी भी जस्ट लिखा हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। लैमडा थ्री के बदले अभी क्या वैल्यू आई, यहाँ देखो ध्यान से, लैमडा थ्री की वैल्यू मेरी कितनी आई, टू एल बाई थ्री, लैमडा थ्री की वैल्यू कितनी आई, टू एल बाई थ्री, तो लैम्डा थ्री की वैल्यू हमारी आई टू एल बाई थ्री। ठीक है, पुट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब ये थ्री ऊपर चला जाएगा, इनके थ्री वी अपॉन टू एल कितना आ जाएगा दोस्त, थ्री वी अपॉन टू एल, और वी अपॉन टू एल क्या था, एन वन, यानी कि थर्ड हार्मोनिक जो होगी वो थ्री टाइम्स ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक होगी, यानी कि सेकेंड ओवरटोन जो होगा वो थ्री टाइम्स ऑफ द जीरो ओवरटोन होगा। हाँ, यहां तक हमारा क्लियर है, तो अब हम आगे देख लेते थोड़ा सा। तो ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, क्या मैं ओपन फ्रीक्वेंसी, सॉरी ओपन पाइप के लिए मैं कैसा बोल सकता हूं कि एन नॉट इज इक्वल टू एन टाइम्स वी अपॉन टू एल,
अगर मान लेते हैं आपको पूछा जाए फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो एन की वैल्यू 1 पुट करो, तो एन 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वी अपॉन 12, देखो आ गया। अगर पूछा जाए कि सेकेंड हार्मोनिक की बताओ, तो एन की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2v/12 आ जाएगा, यानी कि 2n1 आ जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ओपन पाइप में अगर मैं रेशियो लू n1 n2 n3 n4 का, तो क्या था, n1 n1 ही था, n2 क्या था, 2n1 था, n3 क्या था, 3n3 था, n4 क्या था, 4n1 n4 था, 4n1 था, सॉरी। यहां से n1 कॉमन लेके काट देंगे तो कितना आएगा, 1:2:3:4। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं λ1 λ2 λ3 आर वेवलेंथ ऑफ द वेव गिविंग रेजोनेंस विद फंडामेंटल फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन्स ऑफ एन ऑर्गन पाइप, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ λ1 λ2 λ3 इज। तो देखो विद फंडामेंटल इनके n1 फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन, मतलब n2 n3, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ठीक है वेवलेंथ का बोला, ठीक है, तो 1/2 1/3 आएगा, ठीक है। मैं उसका n1 n2 n3 का निकाल रहा था, तो 1:1/2:1/3 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका बताओ